रोहित शर्मा की टीम ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेशी बोलर्स को धुन डाला। इन्होंने पहले ओवर से ही टेस्ट में T20 खेलना शुरू कर दिया और इस दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। इससे पहले बांग्लादेश की पहली पारी 233 रन पर खत्म हुई। इसके बाद रोहित शर्मा के साथ भारत के लिए ओपन करने आए यशस्वी जायसवाल, इन दोनों ने पहले ओवर से ही कुटाई शुरू कर दी। 3 ओवर्स खत्म हुए तो टीम इंडिया का टोटल 51 रन पर पहुंच गया था और इसके साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने अपने नाम कर लिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने इतनी जल्दी 50 रन पूरे किए थे। पिछला रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था, इन्होंने 50 रन बनाने के लिए 26 गेंदें ली थी। इंग्लैंड ने यह रिकॉर्ड इसी साल ट्रेंट ब्रिज में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था, लेकिन भारतीय टीम ने इस रिकॉर्ड को बड़े अंतर से तोड़ डाला। इन्होंने 18 गेंदों में ही 50 रन बना डाले। भारतीय टीम का पिछला रिकॉर्ड 5.2 ओवर्स का था। इन्होंने चेन्नई में साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 32 गेंदों में 50 जड़ा था। कानपुर में भारत की कुटाई यहीं नहीं रुकी, इन लोगों ने सिर्फ 61 गेंदों में 100 रन बना दिए। भारतीय टीम ने इस मामले में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 12.2 ओवर्स में ही 100 रन बना दिए थे। टीम इंडिया का कहर यहां भी नहीं रुका, उनकी कुटाई जारी रही। भारत ने 18.3 ओवर्स में 150 का आंकड़ा छू लिया और इसके साथ ही इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। भारत ने साल 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 21.1 ओवर्स में 150 रन बनाए थे। टीम इंडिया की आतिशी बैटिंग अभी भी जारी रही, इन्होंने 24.2 ओवर्स में 200 रन पूरे कर लिए। ये वाला पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, इन लोगों ने साल 2017 के सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 28.1 ओवर्स में 200 रन पूरे किए थे। इंडिया ने जल्दी ही सबसे तेज 250 का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इंडिया ने 30.1 ओवर्स में 250 रन पूरे किए। मेंस टेस्ट में यह नया रिकॉर्ड था, पिछला रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था। इन्होंने रावलपिंडी के हाईवे पर पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में 34 ओवर्स में 250 रन बनाए थे। टीम इंडिया की ये कुटाई पारी के अंत तक जारी रही, इन लोगों ने 34.4 ओवर्स में 285 रन पर 9 विकेट के टोटल पर पारी को घोषित किया। पहली पारी के आधार पर भारत ने 45 रन की लीड ले ली और बांग्लादेश को चौथे ही दिन दोबारा बैटिंग के लिए बुला लिया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 51 गेंदों पर 72, विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 47, केएल राहुल ने 43 गेंदों पर 68 रन जोड़े। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।